फॉर्मेटिंग के ऊपर, ठीक है सर। और कोई नहीं कस्टम, आएगा? आपने यहाँ पे भी आए हुए हैं इस पर, यहाँ पे क्लासरूम एज प्रेजेंट क्लासरूम होता है ना, अच्छा, तो क्लासरूम के रिकॉर्डिंग के लिए हमें ऑनलाइन करना ही पड़ता है, इसलिए मैं ऑनलाइन आपसे बुला लेता हूँ। ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग है हमारे पास कस्टम फॉर्मेटिंग। हम बात करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हमारे पास जो यहाँ पे लेवल है कि लास्ट क्लासेस में भी हमने जिक्र किया था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी हम यूज करते हैं, और लास्ट क्लास में मैंने एक ब्लॉग भी दिखाया था जहां से आप ट्रेनिंग के लिए आप ले सकते थे। तो चलिए आज हम इस इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे हम इस चीज पे आगे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मुझे एक सेल के ऊपर कुछ टाइप करना है तो उसमें जीरो एक्सेप्ट करना है या फिर कुछ अलग टेक्स्ट लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया 4.25, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रुपीज और पैसे आ जाए, या फिर हमने कुछ नंबर डाला, मैं चाहता हूँ इसमें INR लगा हुआ आ जाए, तो INR तो लग जाएगा, RSD लग जाएगा, मैंने USD किस तरह चाहता है कि USD और साथ में डॉलर सिंबल, देन रुपीज का सिंबल लाना चाहता हूँ, ये पॉसिबल नहीं। और मैनुअली आप टाइप कर लो सही है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप 1254 टाइप करें, ये बाय डिफॉल्ट लग जाए और इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम कर सके, ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं। इसी चीज के लिए हम यूज करेंगे अपना एक्सेल का कस्टम फॉर्मेटिंग। हम सेलेक्ट करते हैं, नंबर फॉर्मेट में आते हैं, कस्टम जो भी, अगर आप कुछ किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट शो करना चाहते हो तो जस्ट एक सिंगल कोड के अंदर में टेक्स्ट लिख सकते हो। सिंगल कोड के अंदर मैंने लिख दिया USD, ब्रैकेट ओपन किया, डॉलर लगाया और फिर अभी यहाँ पे वन यहाँ पे और हैश, आपका लग क्या जाएगा, क्लियर है? और इस पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस तरह से रुपीज और पैसा था, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और कस्टम फॉर्मेटिंग में जाऊं, यहाँ पे दूं जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो हैश और देता हूँ रुपीज, रुपीज और फिर यहाँ पे देता हूँ डॉट जीरो जीरो पैसे। अब इससे क्वेश्चन आता है कि हमने जो कस्टम फॉर्मेटिंग लगाया उसमें जीरो हैश दिया, रुपीज डॉट जीरो जीरो पैसे, अब इसमें जीरो हैश हमने क्यों दिया, जीरो हैश देने का रीजन क्या था? हम जीरो जीरो डाल सकते थे या टोटल हैश डाल सकते थे। तो बेसिकली अगर यहां पे हम जीरो जीरो डालते हैं तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं पॉइंट से सिर्फ लिखू तो यहां पे जीरो जीरो पैसे दिखेगा, तो बोलते हैं सर ठीक है तो मैं हैश से डाल देता हूँ, जीरो नहीं दिखेगा। अगर मैं हैशेस डालूं इसके जीरो जीरो की जगह पे तो क्या होगा, कुछ रुपीज नहीं दिखेगा, दिखेगा। हाँ कुछ चीज नहीं दिखेगा आपका, गलत है। तो हमने तो ठीक है, मैं एक जीरो डाल देते हैं, दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं 1 रुपये 25 पैसा दिया तो यहाँ पे 1 रुपीज है, 0 1 रुपीज नहीं आया। अगर आप 0 1 रुपीज करते हो, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे एक हैश और एक जीरो दिया, ठीक है। और यहाँ पे और जो लास्ट में जीरो जीरो दिया है पॉइंट, ये तो पॉइंट्स के लिए किया है, जीरो जीरो तो यहाँ पे आपको तो जीरो जीरो देना ही है। अगर यहाँ पे आपने हैश डाला तो आपने डालोगे 30 पैसा तो 33 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 रुपीज 3 पैसा, कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जीरो जीरो देना ही देना है आपको। तो जीरो हैश का फंडा समझ में आ गया। हाँ जी, अब बेसिकली ऐसे कितने एग्जाम्पल और क्या रूल हो सकते हैं, तो कल की डेट में मैंने आप लोगों को एक ये दिया था, एक कस्टम फॉर्मेटिंग के पढ़ने के लिए एक, देखते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग का, ढूंढते हैं इंटरनेट पे क्या क्या बोला है।
बोला यार एक्सेल 2007 या इसमें क्या क्या डाल सकते हैं वो पूरा डिटेल में दिया गया है। अब मैं आपको ये लिंक भेज देता हूँ, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा और लिंक को अपने पास ऐड भी कर लीजिएगा, सही रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस आप जैसे कि एक और चीज यहाँ पे देखते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लिखने पड़ते कि 5 इंच एंड 20 सेंटीमीटर, तो ये बराबर से लिखने पड़ते हैं। मुझे सिर्फ प्रिंटिंग पेपर से चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए। और कुछ कंडीशन को लुकअप तो अपने लगाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 520 लिखूं और अपने आप एक कन्वर्ट हो जाए, या जो भी 3 डिजिट का लिखूं अपने आप इंच और डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में मैंने कस्टम फॉर्मेट में गया, मैंने यहाँ पे 0 डाला और इंच डाला, डबल 0 डाला एंड डबल इनवर्टर कमा नहीं डालेंगे, सिंगल कमा को 2 बार डालेंगे, इनवर्टर कमा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने देखा है कि भाई ये तो सिंगल कोड भी एक टेक्स्ट है, तो इसको इन्वर्टर कॉमा के अंदर में क्यों नहीं डाला? तो कुछ स्पेशल करेक्टर, कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिसको हमें इन्वर्टर कॉमा में डालने की जरूरत नहीं है। वो करेक्टर कौन से है? वो यहाँ पे आपको लिस्टेड है आपकी इस पे। इन करेक्टर्स को आप विदाउट इन्वर्टर कॉमा दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 डिजिट डालता हूँ, 1 2 3 3 6 9। अब इसको क्या करता हूं मैं, कौन सा नेट इसमें 1 2 3 और फिर एन परसेंट लगा दिया, इस तरह से दिख गया, क्लियर है? जैसे कि एक और काम कर सकते हो आप यहां पे कस्टम 0 ऐसे चीज आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है? तो इसमें आप जो है कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं जो यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, ऐसे स्पेशल करेक्टर को विदाउट इन्वर्टर कॉमा आप अपने कस्टम फॉर्मेटिंग के लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। आया समझ में सर? रितेश जी अब बारी बारी आती है एट द रेट। हम एट द रेट कहाँ यूज करते हैं? तो एट द रेट के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है? अब नेम के साथ साथ नीचे चाहता हूँ कुछ लगाना, तो मैंने यहाँ पे कस्टम में गया और यहाँ पे मैंने दे दिया एट द रेट, और डालते ही एड फॉर्मेट में आ गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया एक, सॉरी एक मुझे स्टार लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं कॉलम बड़ा करूंगा तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा छोटा आ जाएगा, ये एट द रेट आ गया ना, नीचे नहीं दिख रहा आपको क्या है? एट द रेट है तो अंडरलाइन है, सॉरी एट द रेट डालना होता है। जैसे कि हम लोग अमाउंट लिखते हैं 1500 कुछ रुपए, अब इसको अगर मैं सिंगल कोट में लिख दूं 1500 और फिर इससे अगर यहाँ डालू कि भाई ये एट द रेट है हमारा स्टार, और फिर एक और स्टार डाल दिया, एट द रेट, एट द रेट से समझ रहा है कि भाई टेक्स्ट है कोई भी, एनी टेक्स्ट, ये स्टार होता है तो भैया स्टार एंडिंग लास्ट में ये पूरे के पूरे चले गए। जैसे कि अगर मैं कुछ मिस्टर मिसेज लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मिस्टर मिसेज लिखना चाहता हूँ, तो आई थिंक इसके लिए मैं फसल कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो हंसना मत। एम मिस्टर, ठीक है, स्टार एड कर लिया,
ताला नहीं दूध में। अब ये फॉर्मेट को नीचे अप्लाई कर दूं, मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, मिस्टर अपने आप लग के आ जाएगा। और जो भी आप देना है, और स्पेस डालना जरूरी नहीं है, डालोगे तो स्पेस वहां पे दिखेगा, नहीं डालोगे तो पूरा कंबाइन होकर दिखेगा। ठीक है, क्लियर सर? तो एट द रेट बेसिकली किसके लिए होता है? टैक्स के लिए। और एट द रेट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है टैक्स पे कुछ करने का, दे रहे? रितेश जी कोई डाउट हो आपको? रितेश जी ऑफलाइन चलेगा, एक सेकंड। अब इसमें और आगे चलते हैं, इसमें देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि क्या था नंबर और क्या डिस्प्ले हो गया। तो नंबर आपका यहाँ पे था 1 2 3 4 5 9, और डिस्प्ले क्या हो गया आपका? ए डिस्प्ले हो गया, कुछ ए था हमने किया, ए डिस्प्ले हो गया। क्वेश्चन मार्क होता है कि हमें पता नहीं कि क्या डिजिट हो सकता है, एनीथिंग। हाँ नहीं, तीन डिजिट मिलेगा ना फिर आपको, जीरो या हैश कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, आपको प्रॉब्लम है, आपने जीरो डालोगे हैश डालोगे, आपने जीरो डाला तो फिर अगर डेसिमल प्लेस कम है, तीन डेसिमल प्लेस दिखाएगा जीरो लगा के, हैश डाला तो 3 0 है सिर्फ एक ही दिखाएगा, जीरो हटा देगा। आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो सारा दिखाएगा। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, राइट क्लिक किया यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे जीरो डॉट, तीन बार मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे 3.36 डाल दिया, ये पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे यही सेम चीज डालता हूँ, 3.65, ओके। अब इस पे हम जाते लगाते हैं, इसमें क्या कस्टम पे जाते हैं, यहाँ पे करता हूँ 0.000, 3 0 डाल दिया, क्या आया किसी पर दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 3.0360, दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर सिर्फ 3.6 डालो यहाँ पे, 3.303 डालो तो 2 0 अपने आप लगा दिया। हाँ 3.3 यहाँ पे 3 3 3 दिखाएगा आपको, 2 नहीं लगाएगा, नहीं लगाया। अगर इसके आप हैश डालते हो, अब मैं यहाँ क्या किया, इसमें मैंने जो है 3 बार हैश डाल दिया, फिर दिखा रहा, लेकिन मुझे डालना था 3.3, 3 रुपए 30 पैसे, 3 पैसे ही दिखा रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पे 3.30 दिखे, जीरो नहीं दिखेगा, यहाँ दिखता है, दिखता है यार, पता नहीं है। और सिर्फ नंबर आया दिखेगा, जीरो नहीं दिखेगा यहाँ पे, जीरो नहीं दिखेगा विद सिंगल डैश नहीं। सेम आगा, आपको इसमें चाहिए फ्रैक्शन वगैरह में इसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ बारी आती है 1000 सेपरेटर का, कि अगर आपने 12000 दिया, अरे 12000 दिया, और इससे अगर मुझे 1000 सेपरेटर लगाना है, कस्टम पे जाएंगे, कॉमा लग गया, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर मैंने इसको सिर्फ कॉमा डाला, तो आपका सिर्फ कॉमा डाल के छोड़ दिया तो अमाउंट इन 1000 में हो जाएगा। 50 लिखूंगा कि 50 दिखे, 1 लाख दिखूंगा 1 लाख दिखे, कितने? 100 दिखेगा, अमाउंट इन 1000 में हो जाएगा। कस्टम में अगर यहाँ पे बारी आती है, अगर मैं यहाँ पे 0., और 2 बार कॉमा डाल दिया, तो ये जाता है अमाउंट इन करोड़,
अमाउंट में करो, 1 करोड़ 20 लाख, दाएं दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख करोड़, 1 करोड़ 20 लाख। अब किसी ने मुझसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रॉब्लम बोला मैं सॉल्व करो, उसके बाद जो कुछ अमाउंट दिए हुए जैसे 50,000 दिए हुए, 50,000 दिए हुए, अभी 50,000 अमाउंट को वो इन लाख में दिखाना चाहता है। हाँ, 0.5 लाख होना चाहिए। हाँ, तो मैंने कोशिश तो किया कि हमारे पास कुछ ऐसा निकले, हमने यहाँ पे हैश दिया और यहाँ पे तो क्या हो गया, 50,000 आ गया, दो बार किया तो गायब हो गया, डॉट दिया, ठीक है, 0.5, पचास थाउजेंड में आ गया, अभी करोड़ में आ गया, थाउजेंड में आ सकता है, करोड़ में नहीं, 1 करोड़ में आ गया। डेसिमल पॉइंट एक हजार 0.5 करोड़ हो गया ना, 30 लाख से हुआ, 30,000 ना, जीरो पॉइंट फाइव हो गया ना, 5 जीरो। हाँ मैं समझ सकता हूँ रितेश जी, बट मैं कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने सोल्यूशन क्या निकाला, मैंने सोल्यूशन निकाला यहाँ से, सोल्यूशन कुछ और निकाला कि मैं कुछ और सोल्यूशन देखता हूँ। जीरो पॉइंट जीरो डिवाइड बाई नहीं, नहीं हो, कुछ ऐसा नहीं दिखा। तो मैंने उनको सजेशन क्या दिया कि आप इस अमाउंट को डिवाइड बाय 1 लाख दे दो, कुछ आइडेंटिटी कर रहा था आपके साथ, 1 लाख कर, ठीक है, देन इसके ऊपर आप क्या करो कि जो है उसको रखो 0.00, और मैंने यहां बोला यहां पे इन्वर्टर के मामले आप लिख दो लाख, यहाँ पे अगर 1 लाख लिखूं मैं यहाँ पे, 1 लाख या 15 लाख ही लिख दूं, चाहे 15 दिखेगा आपको, जीरो कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, एक होगा कि जीरो होगा पहले बताओ, ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब बारी आती है कि आप अपने जितने भी एक्सेल के चीजें हैं उसको कंडीशनल कलर भी दे सकते हो, एक कंडीशन के बिहार पे, लेकिन कलर में सिर्फ टेक्स्ट का कलर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हो, जैसे कि इसने यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपी किया, रेड ग्रीन ब्लू, ये हमने, ये तो आपको यहाँ पे लिखना है कलर की कंडीशन। अब एक एक कंडीशन कलर खत्म हुआ, सेमी कॉलन, अगेन कलर एंड कंडीशन, कोई लगा सकते, तीसरा नहीं चलेगा, तीसरा बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। ओके, अब ओके कीजिए, अब इसमें डालिए, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा,
आप कलर को एक्चुअली कि हर कलर दे सकते हो, कलर जो आप दे सकते हो ओनली फॉर ए कलर जो है ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, येलो, सियान, रेड, इनके अलावा कोई और कलर आप नहीं दे सकते हो। क्लियर है? उसके बाद बारी आती है कि अगर आपको इस तरह का सैंपल अपने एक्सेल में प्रिंट करना हो तो आपने नंबर कोड से ए टाइप करना है। जैसे आपको ए टाइप करना है तो अल्ट 0162, यहां पे करता हूं मैं अल्ट 0162, अल्ट के साथ प्रेस करना है 0162, अल्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है ना, 63 0163, लेकिन ओनली फॉर नंबर न्यूमेरिक की पैड, यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको लिखा होगा। ठीक है, इसी यूज कर सकते हो, है ना। तो न्यूमेरिक की पैड के अकॉर्डिंग ही इसको आप कर सकते हो, वरना इसके अलावा नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या हुआ लोकेश जी, काफी लेट ज्वाइन किया आपने? ऐसे भी कुछ काम था थोड़ा सा। ओके, तो बात है सर, कस्टम फॉर्मेटिंग है, रिपीट क्लास है, आप मिस भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब बारी आती है हमारे डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे मैं कोई डेट लिखता हूँ, मानो कि यहाँ पे मैं लिख दिया आज ही का डेट डालता हूँ। अब एक बात के पास डेट का फॉर्मेट यहाँ पे है, अपने मर्जी से डेट का फॉर्मेट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद के डेट के फॉर्मेट बनाने पड़े, जैसे आप चाहते हो सिर्फ ईयर और मंथ या ईयर में लाना चाहते हो, तो आप खुद के डेट के फॉर्मेट कस्टम कर सकते हो। इसमें याद रखिएगा डी पर होता है आपका डेट, सिंगल डी डाला तो 1 2 3 4 इस स्टाइल में चलेगा, अगर डबल डी डालते हो तो 0 1 2 के फॉर्मेट चलेगा। जैसे सात है 0 7 दिखाएगा, अगर आपने 3 बार डी डाला हो जाएगा डे, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह। अगर आपने 4 बार डाला तो कंप्लीट आ जाएगा, और 4 से ज्यादा जाए जितना बार डाल दो रहेगा ये, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा डालोगे तो कुछ और दिखाएगा, यही रहेगा। ओके, फिर आप कॉमा डाल लो, डॉट डाल लो या डैश डाल लो, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे MM, देखिए ऊपर आपको यहाँ पे जो है ना इसे दिखा रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे सिंगल एम डाला तो 0 1 2 के फॉर्मेट में आएगा मंथ, डबल तो 0 1 2 के फॉर्मेट में ही आएगा मंथ, 3 बार डालोगे तो जैन फैब मार्च हो जाएगा, 4 बार डालोगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर इस तरीके से हो जाएगा, 5 बार डालो, 6 बार डालो, 5 बार में क्या हो गया, फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ, मंथ का पहला लेटर। ठीक है लोके जी, ही है। जी सर, ठीक है। आप इसमें आप जो है अपने हिसाब से जैसा मर्जी वैसा डेट आगे पीछे ऊपर नीचे करके लगा सकते हो। कुछ डेट के साथ कुछ टाइप करना चाहते हो तो टाइप भी कर सकते हो लेटर वगैरह, ठीक है, तो यहाँ से इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे उसने दिखाया यार कुछ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। अब बात करते हैं आवर, अगर मैं टाइम लिखा, अब इस पे टाइम की फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने टाइम की फॉर्मेट चूज कर सकते हो। एक कस्टम डेट टाइम कस्टम फॉर्मेटिंग में भी आप खुद के फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो, जैसे H H H 0 1 2 का आवर दिखाएगा, ठीक है, M पर मिनट और S पर सेकेंड, और AM/PM डालोगे तो आपको AM/PM शो करेगा। अब चाहो तो AM/PM लास्ट में ही नहीं, आप फर्स्ट में भी शो कर सकते हो। अगर AM/PM नहीं तो अगर आप यहाँ पे A को हटा देते हो, A और P दिखेगा, ठीक है, A/P AM/PM बाकी शो करेगा। ठीक है,
आपको पता है एएमपीएम को भी अपना कुछ तरीके से गुजार सकते, ला सकते हैं अपने हिसाब से, दे सकते हैं नाम, पता है एएमपीएम में अपना नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये हमने एफटेक में जब मैं कंप्यूटर कोर्स बेसिक किया था ना तो सीखा था, अब वो यहाँ पे वो है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो एमबीएम सेलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो। ठीक है, अप्लाई, यहाँ पे कुम्हार आ गया, एंड ओके, एंड अप्लाई, एंड ओके, एंड ओके। ठीक है, यहाँ पे एमबीएम दिखाया ना, वापस सिस्टम के लिए जा रहे हैं, क्लियर है? हाँ, यहाँ पे एम, यहाँ पे पी एम, क्लियर है? क्लाउड। अब इसमें एक चीज और आता है कि अगर मैंने यहाँ पे 40 घंटे दे दिया, अब कभी कभी क्या है कि इसका हम जानते हैं कि इसको फॉर्मेट में लाने के लिए 37, 30, 55 के फॉर्मेट में यूज करते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट भी कर सकते। मान लो तो मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मिनट में कन्वर्ट कैसे करोगे आप इसको पहले तो आवर लिखोगे, आवर, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, देन इसे मिनट को निकालोगे, देन प्लस कर दोगे। आपने एक और आसान तरीका है कि आप इस पे जाओ, कस्टम फॉर्मेट में जाओ और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर में एम डाल दो, ये गलत था हमारा, इसमें प्लस 24 घंटे का अलग जुड़ता, तो 16 मिनट दिखा रहा है ना, 16 घंटे है, 24 प्लस 1 दिन 16 घंटे है ना हमारा, ये गलत दिखा रहा है। ठीक है, एक जगह दिखा रहा है, बोलो सर इसमें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, दिख तो रहा है 16 से 10 लेकिन एक्चुअल तो वही है, इसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लो, टेक्स्ट कॉमा बड़ी ब्रैकेट के अंदर में एम। अभी डेट फॉर्मेट में है तो टाइम फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो इसमें आगे भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने कर सकते हो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं काम करेगा, तो फॉर्मूले के लिए आप कहें तो प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 या प्लस 0 करके कन्वर्ट कर लो। ठीक है सर, तो इस तरह के आपको यहाँ पे दिया गया है। अब टाइम की सेटिंग चेंज कर सकते हो और बाकी चीजें कर सकती हो। अब वापस आते हैं हमने इसके ऊपर, आवर मिनट के लिए जिस तरह सेकेंड भी कर सकते हो, एएमपीएम के लिए एएमपीएम या एएमपी यहाँ दिखा सकते हो, और कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपकी कस्टम फॉर्मेटिंग में सेटिंग थी। कस्टम फॉर्मेटिंग में बहुत और भी बहुत सी नई चीजें हैं जिसको आप यूज करके देख सकते हो। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या है, इसमें यहाँ पे ये बहुत अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे 0 आता है, 1000 आएगा, 0 लिखो, 0 लिखोगे तो 0 लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट में, मैं बताता हूँ कैसे किया। फॉर्मेट सेल कस्टम, इसने डाल दिया 0.0 और कॉमा दिया, इसने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट नहीं अंडरस्कोर है, माफ, ये अंडरस्कोर, अंडरस्कोर दिया, फिर इसने सिंगल कोट दिया,
जोड़ी नहीं रेड देना, ब्रैकेट ओपन किया, मैन 0.0 कुछ नहीं सर, दे सकते हैं जीरो, कुछ भी दे सकते यार, कुछ पंगा नहीं उसके। वापस सिंगल कोड में आते इसमें डिजिट जीरो, ठीक है। ब्रैकेट में है ना, अब जरूरी नहीं है कि आप ये ब्रैकेट में डालो, आप यहाँ हटा दो इसको, नहीं सिंगल कोड देना पड़ेगा, माइनस से जाते जीरो हो जाएगा। हाँ क्योंकि इसमें जीरो कंडीशन नहीं दिया ना, अगर जीरो से कंडीशन, जीरो कंडीशन देंगे तो फिर हो जाएगा, माइनस कंडीशन नहीं दिया, ये आपका हो गया प्लस का कंडीशन, ये हो गया आपका माइनस का कंडीशन, ये हो गया आपका दोनों कंडीशन के अलावा। अगर कलर देना चाहते हो कि जीरो पे कलर हो जाए, रेड कलर हो जाए, जीरो कलर हो जाए तो कर दे सकते, यहाँ पे जीरो कलर हो जाए कि यहाँ पे आप कर दो कलर, क्या डालोगे, मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। सुनाया आपको सर, इसने हैश कॉमा हैश हैश जीरो डाल रखा है ना, वो थाउजेंड सेपरेटर वेपरेटर और डेसिमल भी डाल रखा है, आप मत डालो, सिंपल समझ में आ जाएगा कि आप। और ये देखिए यहाँ पे एट द रेट जो मैंने बताया आपको, इसका पोजिशन अप्लाई कर रखा है, ये डॉलर और सेंट जब मैं रुपये और पैसे बताया था, इसका यूज इसने यहाँ पे किया हुआ है, तो और भी तरीके से आप कर सकते हैं इसका यूज, और बाकी सब सेम ही है। तो इसका आप अप्लाई करके अपनी जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में आगे उसको फॉलो कर सकते हो। अब मैं जो मैंने आपको ये जो है ना वेबसाइट से सर्च करो, और सर्च करने के बाद आप जो मुझे एक कस्टम फॉर्मेटिंग का कम से कम मुझे 20 एग्जांपल आप बताओ कि क्या था, क्या कोड अप्लाई किया और क्या बन गया आपका, 20 एग्जांपल अभी, ठीक है राजेश जी। जी सर तो मुझे अभी मुझे करके देखिए लीजिए, ठीक है, और गूगल